हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ नीर ढोसा, जो कि बहुत ही इजी और सरल तरीके से बनते हैं और बहुत ही टेस्टी और नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट। आप किसी भी सब्जी के साथ इसको खा सकते हैं, कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं, सांभर के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। चलिए बनाते हैं, कैसे बन करके तैयार होते हैं ये देखते हैं। इधर मैं ले ली हूँ चावल, जो कि मैंने 4 से 5 घंटा मैंने भिगो दिए थे और पानी से बाहर निकाल ली हूँ। अब इसको मैं ग्राइंड करती हूँ, मिक्सर जार में डालते हैं और बहुत ही पतला इसका घोल बनाना है। पानी में थोड़ा ज़्यादा डाल के मैं पीस लेती हूँ। आप देख सकते हैं, अब इसको मैं छोटे से बाउल में निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ टेस्ट अनुसार नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जो कि स्पंजी उससे होगा, नरम नरम होगा। आप देख सकते हैं बहुत ही पतला घोल मैंने बनाया है। इसी तरीके से घोल बनाना है। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं, तवे में तेल लगा देती हूँ। अब थोड़ा सा इसको मैं डाल के फैला देती हूँ, हल्के हाथों से गोल बना लेते हैं। बहुत ही नरम नरम ये बन करके तैयार होते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट ये लगते हैं, किसी भी चीज़ के साथ आप खाएं। पलटी कर लेते हैं, ऊपर से भी मैं ऑयल लगा देती हूँ। फिर से मैं पलटी कर देती हूँ। अब मैं प्लेट में निकाल ली हूँ, अब दूसरा भी तवे पे मैं रख देती हूँ। तब तक किसी तरीके से झटपट ये बन करके तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है इसमें। बस एक ही चीज़ों की ज़रूरत है, बस चावल। चावल से झटपट बन करके ये तैयार हो जाते हैं नाश्ता। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरीके से।